हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया और आज हम थोड़ी और बातें करेंगे कनाडा के बारे में। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको कनाडा के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप कनाडा ट्रैवल करने आ रहे हैं या यहाँ पर मूव होने की सोच रहे हैं, चाहे तो वर्क वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे या किसी भी मोटिव से। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी और जानकारी देना चाहती हूँ कनाडा के बारे में, जो हेल्प करेगा आपकी इस कंट्री को थोड़ा और क्लोजली जानने की, ताकि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेंज फील नहीं होगा। आपको ऑलरेडी इस कंट्री के बारे में इतना कुछ पता होगा कि आप बिल्कुल भी नर्वस नहीं होंगे यहाँ पर किसी से बात करने के लिए। आप यहाँ के लोगों से स्मॉल टॉक्स कर पाएंगे और बहुत कंफर्टेबली खुद को यहाँ के एनवायरमेंट में एडजस्ट कर पाएंगे। नंबर वन, फेमस पीपल। बात जब फिल्म इंडस्ट्री की आती है तो कनाडा की जो नेबरिंग कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है यानी कि हॉलीवुड, वर्ल्ड में बहुत फेमस है। शायद इसीलिए हम कहीं ना कहीं कनाडा की फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कनाडा ऑल्सो हैज़ अ बिग फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे फेमस लोग प्रोड्यूस हुए हैं जिनके बारे में शायद हमें पता भी नहीं होता है। कनाडा में कई सारे फिल्म स्टूडियोज हैं जो अलग अलग सिटीज में हैं, जैसे कि टोरंटो, वैंकूवर, हैलिफैक्स एंड मॉन्ट्रियल। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस लोगों की जो कैनेडियन फिल्म इंडस्ट्री से बाहर आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर के बारे में। अगर आपने फ्रेंड्स सीरीज देखी है तो फ्रेंड्स सीरीज ना सिर्फ कनाडा में, ना सिर्फ इंडिया में, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। और इस सीरीज में से एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही फेमस, बहुत ही लवेबल और बहुत ही फनी है, जो हम सबके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ चैंडलर बिंग की, मैथ्यू पेरी। मैथ्यू पेरी वॉज बॉर्न इन द US, लेकिन वो अपने बहुत ही छोटी उम्र में कनाडा मूव हो गए थे अपनी फैमिली के साथ और यहीं से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी। मैथ्यू पेरी के अलावा और भी बहुत सारे फेमस लोग हैं जो कनेडियंस हैं, जैसे कि ड्वेन जॉनसन। ड्वेन जॉनसन इज वन ऑफ द वेरी फेमस फॉर्मर रेसलर, वो भी एक कनेडियन है। जब वो रेसलिंग में थे तो वो द रॉक के नाम से बहुत फेमस थे एंड नाउ ही इज अ फेमस एक्टर। इनके अलावा पैमेला एंडरसन, जस्टिन बीबर, नीना डोब्रिव एंड अ रैप सुपरस्टार ड्रेक भी कनाडा से बिलोंग करते हैं। पॉइंट नंबर टू, फेमस सिटीज इन कनाडा। वैसे तो कनाडा में बहुत ही सारी, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज हैं जहाँ पे आप रह सकते हैं, जहाँ आप घूमने आ सकते हैं, लेकिन दो सिटीज ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हैं कनाडा में, वो हैं टोरंटो एंड वैंकूवर। जब हम बात टोरंटो की करते हैं तो टोरंटो इज नॉट जस्ट द कैपिटल सिटी ऑफ ऑन्टेरियो बट ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी इन द प्रोविंस। इस सिटी की पॉपुलेशन लगभग 63 लाख है, जिसे हम 6.3 मिलियन भी कहते हैं। और अगर बात पॉपुलेशन की आई है तो कुछ ना कुछ कंपैरिजन तो बनता है। तो अगर हम बात न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन से करें, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, तो एक न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन से कम 4 से 5 टोरंटो तो बसा ही सकते हैं। टोरंटो इज रैंक्ड एज वन ऑफ द मोस्ट मल्टीकल्चरल सिटीज इन द वर्ल्ड। इस सिटी में जगह जगह से लोग आते हैं यहाँ पे जॉब करने, यहाँ पे पढ़ने, क्योंकि यहाँ का जॉब मार्केट बहुत ही वास्ट है और यहाँ पे बहुत सारी थिंग्स टू डू हैं। आप इस सिटी से कभी भी बोर नहीं हो सकते। अगर मैं यहाँ के कुछ फेमस लैंडमार्क्स की बात करूँ तो यहाँ पे है सीएन टावर, यहाँ पे ढेर सारे म्यूजियम्स हैं, आर्ट गैलरीज हैं, एक्वेरियम्स हैं और यहाँ से सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव पर आप नायग्रा फॉल्स भी जा सकते हैं। सिटी नंबर टू, वैंकूवर। वैंकूवर एक बहुत ही वेल स्टैब्लिश्ड सिटी है ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोविंस में। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो टोरंटो के देखे बहुत ही कम है और ये सिटी इतनी ज़्यादा खूबसूरत मानी जाती है कि इसके लिए कहा जाता है वेयर द ओशियन मीट्स द माउंटेंस। इस सिटी में आपको ना सिर्फ एक सिटी लाइफ मिलेगी बल्कि लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ माउंटेंस, स्की रिजॉर्ट्स, लॉट्स ऑफ स्मॉल आइलैंड्स अराउंड द सिटी और
बहुत सारी अलग अलग चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए मिलेंगी और इस सिटी से भी आप कभी भी बोर नहीं हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, फेमस लैंडमार्क्स। बात अगर कनाडा की हो रही है तो हम उसकी सीनिक ब्यूटी को तो नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। कनाडा इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। दिस कंट्री हैज़ एवरीथिंग टू ऑफर यू, फ्रॉम माउंटेन्स टू लेक्स, हॉट स्प्रिंग्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटरफॉल्स एंड वॉट नॉट। अगर हम यहाँ के फेमस लैंडमार्क्स की बात करें तो सबसे नंबर वन पे जिसे मैं रखना चाहूँगी वो हैं यहाँ के कनेडियन रॉकीज़। कनेडियन रॉकीज़ एक बहुत ही वास्ट माउंटेन रेंजेस हैं जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 7 अलग अलग नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप जाकर नेचर की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। सेकेंडली, बैफ नेशनल पार्क। आउट ऑफ द 7 नेशनल पार्क्स जो कैनेडियन रॉकीज़ पे बनाए गए हैं उसमें से जो सबसे खूबसूरत माना जाता है वो है बैफ नेशनल पार्क। इट इज़ द कैनेडाज ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, तो ये आता है नंबर 2 पे। उसके अलावा आता है नायग्रा फॉल्स, सीएन टावर एंड नॉर्थरडैम बेसिलिका चर्च इन मॉन्ट्रियल। एक यूरोपियन स्टाइल में बना हुआ चर्च है और बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप कैनेडा में हैं तो आप यहाँ ज़रूर जाएँ। अब मैं आपको बताऊंगी दो ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके लिए कनाडा बहुत ही एक्सक्लूसिवली फेमस है वर्ल्ड में। सबसे पहला है मेपल सिरप। जी हाँ, कनाडा वर्ल्ड की 80% मेपल सिरप प्रोड्यूसिंग कंट्री है और कनाडा में क्यूबेक प्रोविंस यहाँ का लार्जेस्ट मेपल सिरप प्रोड्यूसिंग प्रोविंस है, तो ये बनाता है कनाडा को एक्सक्लूसिवली फेमस फॉर मेपल सिरप। पॉइंट नंबर 2, एक्सट्रीम पोलाइटनेस। जी हाँ, कनाडा के लोग एक्सट्रीम पोलाइटनेस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब यहाँ पर बच्चे बड़े होते हैं तो उनको बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि देखो बेटा, आपकी गलती हो ना हो आपको सॉरी तो कहना ही है। तो यहाँ के लोग इतने ज़्यादा पोलाइट हैं कि जब आप इस कंट्री में आते हैं, चाहे तो आप टेम्प्रेरी आ रहे हैं या आप परमानेंट आ रहे हैं, दे मेक यू फील सो वॉर्म एंड वेलकम कि आपको बहुत ईजी हो जाता है यहाँ के क्लाइमेट में, यहाँ के एनवायरमेंट में, यहाँ के कल्चर में एडजस्ट करना। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको आज कनाडा के बारे में बताना चाहती थी। अभी मेरा कनाडा का टॉपिक ओवर नहीं हुआ है, मैं इसके ऊपर एक 3rd वीडियो भी बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी अबाउट 5 बेस्ट प्लेसेस वेयर यू मस्ट विजिट इन कनाडा। गाइज, मुझे यकीन है कि आपको मेरा आज का वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है और अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है, कुछ भी नया अगर आपको जानने को मिला है, अगर सच में कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट था इसमें, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।